बताना चाहूंगा कि क्या कोरोना बीमारी से हार्ट अटैक या हार्ट की समस्याएं भी हो सकती हैं, तो मैं इन सब चीजों पे आपसे आज चर्चा करना चाहता हूँ। और देखिए, ये जो है एक इंटरेक्टिव सेशन है, और इसमें फेसबुक पर आप अपने क्वेश्चंस भी इसमें पूछ सकते हैं, उसका भी हम लोग जो है इसका जवाब देंगे आपको। देखिए, जहां तक इस बीमारी का हार्ट पेशेंट से संबंध है, ये बीमारी है तो उतनी ही कॉमन जितनी कि और किसी और पेशेंट्स को, किसी और व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये हार्ट पेशेंट को हो जाती है तो उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा सीवियर होती है, और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उनकी मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, इसलिए है क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स की इसमें एज ज्यादा होती है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, और दूसरा काफी सारे पेशेंट्स हैं, एटलीस्ट 30 to 50% पेशेंट्स हैं जिनको कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है हार्ट की बीमारी के साथ साथ, और काफी सारे पेशेंट्स के अंदर लिवर की भी समस्या, सॉरी इसकी लंग्स उनके, और किडनी भी वीक होती हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, पुअर कर देती हैं, तो उनकी जो फाइटिंग पावर है इस बीमारी से, कोरोना इन्फेक्शन से, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो उनके अंदर ये बीमारी सीवियर होती है और फिर कॉम्प्लिकेशन के रेट ज्यादा होते हैं। अब देखिए, इसमें अगर आपको इसका बचाव कैसे करना है, हार्ट पेशेंट को बचाव कैसे करना है, तो देखिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो कि सभी लोग कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही रहना है बार बार, और आपको जो है जो अपना फेस है उस पे, क्योंकि इसकी एंट्री देखिए माउथ से और जो नेजल कैविटी के थ्रू, नेजल कैविटी से होती है, तो उस एरिया को आपको टच नहीं करना है, आंखों को, नाक को, मुंह को टच नहीं करना है, क्योंकि यही पोर्ट ऑफ एंट्री है वायरस का। और देखिए, जो क्राउडेड स्पेसेस हैं, गैदरिंग है, इनको आपको अवॉइड करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हार्ट पेशेंट को घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलें, अदरवाइज न निकलें, क्योंकि ये आजकल सुना जा रहा है कि ये एयरबॉर्न भी है बीमारी, तो अगर आप बाहर निकलें तो पूरी प्रिकॉशन के साथ निकलें और कोशिश करें कि न निकलना पड़े। और क्या खास चीजें हैं जो कि हार्ट पेशेंट को ही ध्यान रखना है? देखिए, उसमें यह है कि आप अपनी दवाओं का ध्यान रखें, दवाएं कोई भी बंद ना करें, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, अगर आप इनकी दवाओं को बंद करेंगे तो आपकी दिक्कतें एकदम बढ़ सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि पोस्ट एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स होते हैं जिनके स्टेंट्स लगे हुए हैं, कुछ जो कि हार्ट के वाल्व जिनके बदले होते हैं, ये पेशेंट ना ब्लड थिनर पे होते हैं, अगर आप ये दवाएं बंद करेंगे तो आपको एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी कंडीशन एकदम डिटोरेट कर सकती है, इसलिए अपनी हार्ट की मेडिसिन को बंद नहीं करना है, और साथ साथ शुगर जिनको है वो भी अपनी शुगर की मेडिसिन को बंद न करें। दूसरी चीज है कि देखिए, आजकल जो है मार्केट में काफी सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स अवेलेबल है, जैसे च्यवनप्राश है, कुछ आयुर्वेदिक जो गिलोय है और काढ़ा है, हनी है, तो इनका आप उपयोग करें, जरूर करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में करें जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग ना इसका बहुत एक्सेस यूज करते हैं, एक्सेस यूज से क्या है कि किसी को तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है, किसी का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, कोई इतना करता है कि उसमें देखा गया है कि लिवर पे भी उसका इफेक्ट हो जाता है। तो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो अवेलेबल हैं, आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करें, और इन नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि देखिए आप अपना जो खाना है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, आप इनको यूज करिए, आप डेली एक्सरसाइज करें और डेली अच्छी नींद लें, योगा करें, तो अगर हम इन जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो कि हमें खान पान से, नींद से और एक्सरसाइज करने से, टहलने से मिल सकते हैं, उनका हम जरूर उपयोग करें, हार्ट पेशेंट को इनका ध्यान रखना है। और देखिए, एक और चीज है हार्ट पेशेंट के लिए कि आजकल जो है बाहर निकलना कम हो जाता है, घर के अंदर ज्यादातर लोग हैं, तो खान पान भी बिगड़ जाता है, खान पान भी हम लोग कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं अंदर, तो हार्ट पेशेंट को ध्यान रखना है कि कैलोरीज ज्यादा ना ले, कैलोरी ज्यादा लेगा तो वजन बिगड़ेगा, वजन बिगड़ेगा तो उसकी हार्ट की कंडीशन खराब हो सकती है। और
एक और चीज है कि आप खाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग करे जा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं, आपकी हार्ट की कंडीशन को खराब कर सकते हैं। और एक और चीज है, क्योंकि आपका काफी वक्त खाली है तो आप इसको सदुपयोग करिए नेटवर्किंग में, आप अपना मन जो है किसी न किसी काम में लगाए रहें, अपने जो रिलेटिव्स हैं, आपके शुभचिंतक हैं या आपके जो जो फ्रेंड्स हैं, आप उनसे नेटवर्किंग करते रहें, टेलीफोन पे बात करते रहें, उनसे मीटिंग्स करते रहें टेलीफोन के द्वारा, तो आप बिजी रहेंगे और आपकी एंजाइटी कम रहेगी। और एक और चीज है, देखिए जो इस समय है कि न्यूज जो होती है टीवी पर, न्यूज जो है बहुत ही डिप्रेसिंग है। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये न्यूज को बहुत ज्यादा ना देखें, आप बहुत ज्यादा न्यूज देखेंगे डिप्रेस हो जाएंगे। आप न्यूज देखना ही है तो दिन में बस एक बार देखें, उसके अलावा टीवी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, आप उनको देखें, अपना मन लगाए रखें। और एक और चीज है जो स्पेशली हार्ट पेशेंट को ध्यान देनी है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से टच में रहें, आप उसके फोन से टच में रहें, अपनी कंडीशन को उससे डिस्कस करते रहें, अपनी दवाएं उससे डिस्कस करते रहें। और इसके लिए उसके हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें खतरा है आपको इन्फेक्शन लगने का। आप उससे टेली मेडिसिन के माध्यम से, टेली कार्डियोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से उससे काम करें। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, वो आपसे व्हाट्सएप से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेज सकता है। आजकल ये सारा काम टेली मेडिसिन से संभव है, आप इसका उपयोग करें और डॉक्टर्स की क्लिनिक में बहुत ही आवश्यक हो तभी जाएं। एक और चीज है कि अब आपको हार्ट पेशेंट को किन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए, अगर आपको बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, या आपको लाइट हेडेडनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पेल्पिटेशंस हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर बात करनी है, फिर वो जैसा बताए वैसे आपको करना है। इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और एक चीज है जो फाइनली मैं हार्ट पेशेंट के लिए बताना चाहूंगा, वैक्सीन। वैक्सीन देखिए बहुत ही इफेक्टिव है। एक तो ये आपको इन्फेक्शन होने से रोकती है, और दूसरा क्या है, इन्फेक्शन जिन जिन पेशेंट्स के वैक्सीन लगी होती है तो उनमें इसकी सीवियरिटी बहुत कम होती है, जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो हार्ट पेशेंट को इस वैक्सीन को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लगवा लेना चाहिए, और इसके लिए कोई भी आपको हार्ट की मेडिसिन बंद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप लगवाएं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हार्ट पेशेंट का कोरोना हो ही गया है, तो अब वो उसको अपने लिए कैसे केयर करनी है। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि अगर किसी को कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि गले का खराब हो जाना, बुखार का आना, छींक जुखाम, फ्लू लाइक सिम्टम्स आना, अगर ऐसा है तो आप तुरंत अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लें, अपनी टेम्परेचर की और ऑक्सीजन सेचुरेशन की रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें। और जहां तक टेस्टिंग है तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट है और जो ब्लड टेस्ट है, ये चौथे पांचवें दिन ही कराएं, अनटिल अनलेस की बहुत ही आपको रिक्वायरमेंट जल्दी की पड़ रही है, ज्यादा कंडीशन खराब है, क्योंकि शुरू के 4-5 दिन में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं और आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ सकती है। तो इन टेस्ट को आप चौथे पांचवें दिन कराएं आइडियली। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको लगे कि आपको कोविड लाइक सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से आप टच में जाएं, उससे पूछें, और वो आपकी दवाओं को टेलर करेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हो सकता है कि आपको कम करना पड़े, कई बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इन दवाओं को बंद करने की भी आवश्यकता पड़ती है। और जो कोविड की जो दवाएं आजकल चल रही हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन और ये चलता है आइवरमेक्टिन, विटामिन सी और जिंक, इन सबका आप पूरा उपयोग करें। हाँ, जहां तक देखिए, एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा दी जाती हैं, इनको आप उपयोग ना करें, क्योंकि इनसे हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और थोड़ा खतरनाक स्थिति भी आ सकती है। तो ये दो दवाएं जो है हार्ट पेशेंट यूज ना करें। और जो पेशेंट ब्लड थिनर पर हैं, वो अपने ब्लड थिनर्स को डॉक्टर की सलाह पे ही आगे कंटिन्यू करें या उनकी मात्रा को घटाएं। तो हार्ट पेशेंट के लिए दवाओं का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि हार्ट पेशेंट को कब सोचना चाहिए कि उसे हार्ट पेशेंट को कि जब कोविड हो जाए कि उसे अब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए।
तो देखिए इसमें चार पांच चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको सांस फूलने लगे, आपको सीने में दर्द होने लगे, आपका सेचुरेशन डाउन हो जाए, आपका फीवर 5 दिन के बाद भी हाई ग्रेड फीवर बना रहे, आपको जो है ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या किडनी फेलियर आपकी साथ उसके साथ है, या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो आपको इन कंडीशंस में बेहतर है कि हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। जहां तक आपकी रिपीट टेस्टिंग है, आई थिंक वो 10वें दिन के आसपास आप कराएं, और उससे हम जो है ये पता कर सकते हैं कि आपका डी डाइमर और ये सीआरपी कितना है, उससे हम जो ब्लड थिनर आजकल यूज होते हैं उसके बारे में फिर फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से आराम से अपना जो है रिकवरी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आया कि अगर कोरोना हो गया, आपने ये सारा पीरियड भी निकाल लिया, या आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आपको क्या करना है? तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर के अगेन आपको उनके कंसल्टेशन पे रहना है, टेली कार्डियोलॉजी टेली मेडिसिन के थ्रू वही आपकी मेडिसिन डिसाइड करेंगे, और वो जो है फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट आपका डी डाइमर और सीआरपी लेवल देखेंगे, और आगे जो एंटी कोगुलेंट्स हैं, आजकल टेबलेट्स भी इसकी अवेलेबल हैं, वो इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ये एक खतरा है कि ब्लड क्लॉट्स की एक दिक्कत रहती है, उससे काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हमें जो है ये टेस्ट डॉक्टर की सलाह पे करा करके फिर एंटी कोगुलेंट्स को लेना चाहिए। और जहां तक जो पेशेंट्स पोस्ट एंजियोप्लास्टी या वाल रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं, वो भी अपना ये टेस्ट करा करके ब्लड थिनर्स के बारे में डॉक्टर से राय लेकर के रिकवरी पीरियड में उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्या होती हैं दवाएं जो इसमें यूज होती हैं कोविड के ट्रीटमेंट में, वो दवाएं जो हैं उन दवाओं से इंटरेक्ट करती हैं, तो उसके कुछ दवाएं उसके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं ब्लड थिनर्स के, कुछ उसके इफेक्ट्स को कम कर देती हैं। तो हमें ये जो दवाएं हैं उनकी मात्रा को डॉक्टर की सलाह से रेगुलेट करना ही होगा कोविड की रिकवरी पीरियड में। और जहां तक एक्सरसाइज है, मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज देखिए आपको शुरू के 2 हफ्ते में रिकवरी में तो न करें, थोड़ा टहलें बस, उसके बाद आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करें, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी काफी कमजोरी होती है और काफी स्ट्रेस होता है, तो शुरू के 2 हफ्ते जो रिकवरी का पीरियड है उसमें एक्सरसाइज जो है बहुत हैवी ना करें, और धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। और जहां तक खाने का सवाल है, खाना आप लाइट लें, जिसमें कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो प्रोटीन वाली जो चीजें हैं इनका थोड़ा सा उपयोग ज्यादा करें, और फूड का मात्रा बार बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपना लेते रहें, और अपना जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है इसकी भी मॉनिटरिंग करें और इसको जो है कंट्रोल में रखें। और जहां तक रिकवरी पीरियड में कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि वैक्सीन की या तो सेकेंड शॉट लगनी है या उन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं है, उनको क्या करना है? तो देखिए ऐसा है कि जब आपका रिकवरी टोटल हो जाए, मींस जब आप 10 दिन पूरे हो जाए, फीवर आपका कंट्रोल हो जाए, उसके एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते बाद आपको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, चाहे सेकेंड डोज हो चाहे आपको अपनी फर्स्ट डोज स्टार्ट करनी है। तो वैक्सीन आपको हर हालत में लेनी है, उसका ये ना सोचें अब मेरे को कोरोना हो गया, अब मेरे को इस वैक्सीन की जरूरत नहीं है, वैक्सीन की जरूरत आपको है। अब फाइनली मैं बात करना चाहूंगा कि भाई क्या कोरोना हार्ट पे भी असर करता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना भी हार्ट को असर करता है, और ये अगेन डायरेक्टली भी जो वायरस है ये डायरेक्टली भी वहां पर जाके चिपक जाता है हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की आर्टरीज हैं, इवन पूरी बॉडी की जो वेसल्स हैं, धमनियां हैं, उनमें ये एंटर कर जाता है, और उसकी वजह से वहां पर जो है इन्फेक्शन होने से देखिए हार्ट की मसल्स वीक हो सकती हैं, और आर्टरीज के अंदर जो है सूजन आ सकती है, और जो फैट के डिपॉजिट्स जो होते हैं हार्ट की आर्टरीज में वो कई बार रप्चर होकर के हार्ट अटैक हो सकता है। और एक और चीज होती है कि जो खून है काफी चिपचिपा होता है जो इसमें कोरोना पेशेंट का, तो वो जो है क्लॉट्स बनने की उसमें काफी टेंडेंसी होती है, तो वो जो क्लॉट्स हैं वो कई बार जो है आपके लंग्स में भी जा सकते हैं, हार्ट में भी जा सकते हैं, ब्रेन में भी जा सकते हैं। अगर देखिए वो लंग में जाएंगे तो लंग का अटैक करेंगे, मीन्स लंग के अंदर जो है क्लॉट्स
क्लॉट जाएगा तो उसका जो आर्टरी है टोटल बंद हो जाएगी, तो एकदम पेशेंट सिक हो जाता है सडनली, प्रेशर के पेशेंट के जो सेचुरेशन है सडनली ड्रॉप कर जाते हैं। ऐसे ही अगर जब हार्ट में जाता है तो हार्ट अटैक कर देता है, ऐसे ही ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में अटैक करके वो पैरालिसिस कर देता है। और एक और चीज है कि जो इसमें जो इन्फेक्शन होता है ये 8वें 10वें दिन से, इन्फेक्शन में जब जो इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे ना कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये केमिकल्स जो है इसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये एकदम तेजी से पूरी बॉडी में जाते हैं, हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं और उनका डैमेज कर देते हैं, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, चाहे वो ब्रेन हो, ये उनको जाकर के अफेक्ट करते हैं और ये जो है इस तरह से हार्ट को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। और जो जहां तक आजकल सुनने में आ रहा है कि हार्ट की जो पल्स है, पल्स रेट को ये बढ़ा भी सकता है और कम भी कर देता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो देखी जा रही है कि कोई पेशेंट्स कहते हैं रिकवरी पीरियड में कि उनकी हार्ट रेट 100 के ऊपर है, 120 है, और कई पेशेंट्स में ना हार्ट ब्लॉक भी हो जाते हैं, उनका जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है वो एरिया अफेक्ट हो जाता है, सिक्स साइनस सिंड्रोम इसे कहते हैं, उनके पल्स रेट डाउन हो जाती है। तो ये सब चीजें कॉमन तो नहीं है लेकिन हाँ देखने में आ रही हैं। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी जो है ये जो है कोरोना की बीमारी होने से हार्ट के ऊपर भी असर आ सकता है और आपकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। तो ये जो मैंने जो भी चीजें बताई हैं कि भाई हार्ट पेशेंट को किस तरह से ध्यान देना चाहिए और उसको कोरोना होने पे क्या सावधानी करनी चाहिए, और कोरोना हो जाए तो उससे रिकवरी में किस तरह से अपने अपना ध्यान रखना है, किस तरह से अपनी दवाओं को रेगुलेट करना है, अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से इस बीमारी से काबू में ला सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं मैं उसको देखना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक इसमें है ये कुलकर्णी साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द गैप बिटवीन टू डोजेज ऑफ वैक्सीन। तो देखिए इस पहले तो कह रहे थे कि भाई 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए, अभी तो गवर्नमेंट ने तो खैर गैप बढ़ा दिया है, वो तो 4 महीने की बात कर रहे हैं, पर आई थिंक जो आइडियल पीरियड है वो हमारा 4 से 6 हफ्ते है कोविशील्ड के लिए, और कोवैक्सीन के लिए अभी भी 4 हफ्ते ही है। और जहां तक कोरोना इन्फेक्शन जब हो जाए तो हमें जरूर 1 महीने का वेट करना चाहिए। हाउ मेनी डेज मंथ डेविगेट्रॉन शुड बी टेकन पोस्ट डिस्चार्ज। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्टिनेंट है कि देखिए जो पेशेंट्स हैं कोरोना से जब रिकवरी होती है तो उसमें डी डाइमर लेवल जो है उन पेशेंट्स का काफी हाई होता है, तो अगर डी डाइमर लेवल हाई है तो हमें जो टेबलेट्स हैं आजकल डेविगेट्रॉन जो अवेलेबल है इसको हमें यूज करना चाहिए, और एटलीस्ट 1 महीने जरूर यूज करना चाहिए अगर डी डाइमर लेवल हाई है, फिर 1 महीने बाद हमें फिर से डी डाइमर लेवल कराना चाहिए, अगर वो नॉर्मल आ गया है तो हम इसे बंद कर सकते हैं, अदरवाइज डी डाइमर लेवल से ही हम इसे रेगुलेट करते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन रोकती है, और जो कोविड का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है हार्ट का कि क्लॉट फॉर्मेशन, इससे इसे रोका जा सकता है।
देखिए एक और क्वेश्चन है, वो है कि एनी स्पेशल प्रिकॉशन फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट को देखो ध्यान देना है, दवाएं नहीं बंद करनी है, शुगर की मॉनिटरिंग करनी है और शुगर को कंट्रोल में रखना है, और जो अपनी जो डाइट है उसको ध्यान में रखना है कि उसके अंदर फ्री शुगर ना हो। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगी तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हैं, और होगा तो उसमें जो है प्रॉब्लम भी होने के चांस ज्यादा है। देखिए एक क्वेश्चन है कि क्या थर्ड वेव जो है आएगी, आएगी तो क्या बच्चों को अफेक्ट करेगी? मैं देखिए जितना मेरी जानकारी है उसके हिसाब से थर्ड वेव आएगी जरूर, क्योंकि देखिए इस समय यूएस और जो यूरोप है उसमें भी थर्ड वेव चल रही है, और वहां पर क्योंकि जो देखिए वैक्सीनेशन जो दिया गया प्रायोरिटाइज करके वो दिया गया है जो पेशेंट जो कि उम्र दराज हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, और अभी गवर्नमेंट ने देखिए 18 to 45 वाला भी ओपन किया हुआ है। तो अभी जब ये सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी तो वही रिस्क पे ज्यादा रहेंगे, तो थर्ड वेव आएगी जरूर, क्योंकि ये और भी जगह आई हुई है तो इंडिया में भी पक्का आएगी, और इसमें बच्चे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे इसलिए उन पर इफेक्ट ज्यादा आएगा। देखिए एक और है जो कि अभी बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जो म्यूकर माइकोसिस है ये क्या है, और इसको ये कोविड में क्यों ज्यादा हो रहा है, और इससे कैसे बच सकते हैं, और इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए जो म्यूकर माइकोसिस है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये फंगस जो है नॉर्मल उसमें रहता है, एनवायरमेंट में भी रहता है, तो जब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, चाहे देखिए वो कोविड पेशेंट की हो, चाहे वो पेशेंट जो है स्टेरॉइड ले रहे हैं उससे हो, या जो पेशेंट्स हैं जैसे कि किडनी पेशेंट हैं, या जो पेशेंट्स हैं कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनकी की इम्यूनिटी पुअर होती है, उनके अंदर ये जो है जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहता है ये अपनी नेजल कैविटी से वहाँ एंटर कर जाता है, और उसके बाद ये जो नेजल पैसेज है साइनसेस हैं वहां पर जाकर के ये अपनी ग्रोथ करता है, और उसमें जो है इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही वहां पे फंगस के बॉल्स बन जाते हैं और पूरा एरिया को ये डैमेज कर देता है। अच्छा ये कोविड पेशेंट में हो क्यों रहा है कि स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको कि स्टीरोइड दिया जाता है, तो डायबिटीज में वैसे ही इम्यूनिटी कम होती है, अब स्टीरॉयड दे दिया तो उससे शुगर और अनकंट्रोल हो गई, तो वहां पे इसको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है इसके ग्रोथ होने का, और वहां पर जो म्यूकर है ये जो है म्यूकर माइकोसिस जो है डेवलप करके पूरे नेजल साइनसिस से होता हुआ ऊपर आईज तक पहुंच जाता है, और पूरे एरिया को ये वहां पर उसको कहना चाहिए गलन कर देता है, पूरा डैमेज कर देता है, और इसका जो इलाज है बहुत ही डिफिकल्ट है। और एक चीज और देखने में आ रही है कि जो पेशेंट्स जो कि हाइजीन नहीं रखते हैं, ऑक्सीजन में अगर जो देने की जो एपरेटस होता है अगर उसकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी तो उससे भी ये जा सकता है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इससे बचने के लिए कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल अनावश्यक न करें, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तभी करें, दूसरा अगर आपको डायबिटीज है शुगर को कंट्रोल करके रखें, और तीसरा जो आपका जो ऑक्सीजन डिलीवरी एपरेटस है उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लें, उसकी क्लीनिंग स्टरलाइजेशन होना चाहिए ताकि जो भी गैस आपको मिल रही है उसमें ये कहीं म्यूकर के स्पोर्स ना चले जाए, तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और अननेसेसरी स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे तो इस घातक बीमारी से बच पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इज वैक्सीनेशन सेफ इन प्रेग्नेंट वुमेन? तो हाँ यस, प्रेगनेंसी में अभी कई जगह तो अप्रूव हो भी गया है और आजकल लगना शुरू हो गया है, इंडिया में भी हो जाएगा। विल इट बी सेफ फॉर द बेबी? बेबी के लिए तो अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ जो जो फाइजर वैक्सीन है इसके वहां पर कुछ डेटा अवेलेबल है यूएस में, और वहां पर उन्होंने बच्चों के लिए भी इसको 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी अप्रूव कर दिया कि वो लोग ले सकते हैं, जो बेबीज हैं छोटे बेबीज हैं उसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है। और एक है कि विल द बेबी डेवलप एंटीबॉडीज एज वेल?
अब इसके बारे में तो अभी कहना मुश्किल है। अभी जो हमारे पास डेटा है, देखिए वो है अब 12 साल की उम्र और उससे ऊपर के लिए आ चुका है कि इन सबको लगनी चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इस समय कई सारी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पूतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, तो इसमें से विच ऑफ द थ्री आर मोस्ट इफेक्टिव? तो देखिए जहां तक अब वो डेटा कुछ भी हो कि कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है या कौन सी कम इफेक्टिव है, मेरा मानना ये है कि तीनों ही वैक्सीन ये इफेक्टिव हैं और जिसको जो वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो जाए उसको लगवा लेनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत एफिकेसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन वैक्सीन्स में ज्यादा अंतर है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करते में ध्यान क्या रखना चाहिए? तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो ऑक्सीमीटर हैं जो कि फिंगर में लगाए जाते हैं, तो कई बार इसमें जो है अननेसेसरी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर आप सही से नहीं लगाए हुए हैं और उसमें ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है तो अननेसेसरी पैनिक हो सकता है। तो आपको इसकी विधि पता होना चाहिए कि इसकी कैसे सेचुरेशन का जो मॉनिटर है इसको कैसे लगाना है। तो देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, एक में जिसमें कि आपकी रीडिंग आती है और एक जगह जहां पर इसमें अंदर की तरफ रेड लाइट होती है। तो जो रेड लाइट वाला हिस्सा है वो आपको अपने जो फिंगर पल्प है उस तरफ रखना है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पेशली लेडीज में कि जिस फिंगर में आप देखें उसमें जो है वो नेल पॉलिश ना लगी हो, क्योंकि कई बार ऐसा पता चला है कि अचानक आता है खबर कि सेचुरेशन डाउन हो गया है, बाद में पता चलता है कि उस हाथ में तो उस नेल में तो नेल पॉलिश लगी हुई थी इसलिए उसमें सेचुरेशन सही नहीं आ रहा था। तो आप ये ध्यान रखें उसमें नेल की कंडीशन सही हो, नेल पॉलिश ना लगी हो, और जो लाइट है उसकी रेड लाइट है वो पल्प की तरफ हो, और आपका जो हाथ है वो बिल्कुल स्टेशनरी रहना चाहिए उस वक्त, हाथ नहीं हिले। और एक और फाइनल चीज जो आपको ध्यान देना है उसमें पल्स जो एक उसका अंदर ग्राफ भी आता है, अगर ग्राफ आपका यूनिफॉर्म आ रहा है तब आप समझें कि ये आपकी सेचुरेशन सही दे रहा है, क्योंकि जब वो सही से सेंस नहीं करेगा तो वो ग्राफ भी सही नहीं देगा। तो इससे आप जो है देखिए इसको लगाने का तरीका उचित ही होना चाहिए, अब नेसेसरी नहीं पैनिक क्रिएट हो सकता है। एक और क्वेश्चन आया है कि इट इज बीन स्पोकन अबाउट सेकेंड एंड थर्ड वेव, हाउ मेनी वेव शैल बी एक्सपेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसमें ऐसा है कि ये डिपेंड करेगा वैक्सीनेशन पे कि आपकी पॉपुलेशन कितनी वैक्सीनेट हो गई। अब देखिए अगर जैसे यूएस ने कहते हैं कि अपनी हाफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी है तो वहां पर एक थर्ड वेव आएगी, उसके आगे शायद एक वेव और आए, इससे ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि वहां वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। अब जैसे इसराइल है वहां पे लगभग पूरी पॉपुलेशन हो गई तो वहां भी आगे की वेव आने के चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन इंडिया में तो देखिए वैक्सीनेशन अभी इतनी सारी पॉपुलेशन को करना है तो इंडिया में हो सकता है कि तीसरी वेव तो पक्की है, मेरे को लगता है वैक्सीनेशन नहीं होगा तो चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठवीं भी आएगी। अगर वैक्सीनेशन हम कर लेंगे पूरी पॉपुलेशन का एटलीस्ट 70-80% का तो ये वेव आनी खत्म हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन आ रहा है वो है कि इसराइल एंड नाउ यूएसए हैज अनाउंस दैट नो मास्क इज रिक्वायर्ड फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, हाउ मच सेफ वुड इट बी? तो देखिए ये भी वही चीज है कि आप में वहां पर इन्फेक्शन का रेट कितना है, अगर इन्फेक्शन बहुत ही लिमिटेड है नहीं हो रहा है तो आपको प्रिकॉशंस न लेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ये इंडिया के लिए अभी पर्टिनेंट नहीं है। वहां की पॉपुलेशन में क्योंकि इन्फेक्शन काफी कम हो गया है तो जो लोग आपस में मिल रहे हैं वो सब वैक्सीनेटेड हैं, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन काफी कम हो गया है, तो उन लोगों के लिए ये हो सकता है कि सेफ हो, लेकिन इंडिया में हमें अभी इसके लिए सोचना भी नहीं है, हमें बगैर मास्क के घर से बाहर निकलना ही नहीं है। एक और इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि विद द न्यू वेरिएंट इट इज नॉट गेटिंग डिटेक्टेड थ्रू आरटीपीसीआर इन सम केसेस, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? हाँ देखिए ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है
कि किसी भी व्यक्ति को सिम्टम्स पूरे कोरोना के हैं लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, तो कई बार वो कहते हैं कि मेरे को तो सादा इन्फेक्शन है, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है और उसको कोविड हो सकता है, क्योंकि जो म्यूटेशन है इसके आने से जो आरटीपीसीआर टेस्ट हमारा पहले से बना हुआ है, अब वायरस ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लिया है, तो अब इससे आरटीपीसीआर टेस्ट में डिटेक्ट होने से बच जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स में म्यूटेंट है जो कि इस आरटीपीसीआर टेस्ट से नहीं डिटेक्ट होता है। तो अगर आपको कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं, आपका टेस्ट नेगेटिव है आरटीपीसीआर टेस्ट, तो आप एटलीस्ट 5-6 दिन बाद अपने एक तो ये सीटी करा लें, HRCT जिसे कहते हैं, उसमें ये पकड़ में आ सकता है। और दूसरा जो ब्लड टेस्ट है जिसमें कि CRP हो गया, डी डाइमर हो गया, फेरिटिन लेवल हो गया, जो मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिन्हें कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड लाइक सिम्टम्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर पॉजिटिव है या आपका CT स्कैन चेस्ट का पॉजिटिव है, तो माना जाएगा कि ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट आपको क्लू दे रहा है कि आपको जो बीमारी है वो कोविड ही है, सादा इन्फेक्शन नहीं है। और एक और चीज मान के चलिए, आज की डेट में इंडिया में अगर किसी को भी कोई भी फीवर हो रहा है, सबसे पहले वो सोचे कि कोविड ही हो रहा है। देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर किसी को हार्ट पेशेंट, अगर कोई वर्किंग पेशेंट है और उसकी कोविड हो गया है उसे, तो उसे कब से अपना काम ज्वाइन कर लेना चाहिए? तो देखिए जो हार्ट पेशेंट है, अगर उसको कोविड हो गया है और कोविड से रिकवरी पूरी हो गई है और उसके जो कोई उसको अगर कमजोरी वगैरह भी नहीं महसूस हो रही है, अपनी सारी पहले अपना डेली एक्टिविटीज कर सकता है, तो आई थिंक कोविड का टोटल जो पीरियड है हम लोग 2 वीक्स मानते हैं, आप मैक्सिमम 1 हफ्ते और अपना रेस्ट कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है, कार्डियक सिम्टम्स नहीं है, तो आपको ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए एक और इसमें क्वेश्चन आया है कि पेशेंट्स आर हैविंग कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग रिकवरी फेज, व्हाट कुड बी द रीजन एंड हाउ टू अवॉइड दिस? यस, ये बांके बिहारी अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ऐसा है कि जो कार्डियक अरेस्ट है रिकवरी फेज में, कोरोना से रिकवरी फेज में क्यों होगा? तो देखिए पहला कारण है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि हमारा जो कोविड पेशेंट्स का जो ब्लड है वो थिक होता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो एक तो हार्ट अटैक से हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो कोरोना है ये हार्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जैसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, उसको भी इन्फेक्ट करता है, उसको भी अफेक्ट करता है, तो उसमें हो सकता है कि जो हार्ट की जो पल्स है वो गड़बड़ाई हो, या तो एकदम फास्ट हो गई, जैसे हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं, या उसको हार्ट ब्लॉक हो जाए, उससे भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तीसरा क्या है कि जो क्लॉट्स बनते हैं वो कई बार जो है लंग में जाते हैं, उसको कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिक, या इसको अगर समझा जाए तो लंग का अटैक है जिसमें कि सडनली पेशेंट को सांस फूलती है और उसका सेचुरेशन डिप होता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में देखिए आपको CPR है, जिसे हम ABC कहते हैं, एयरवे और सर्कुलेशन ब्रीदिंग, ये जो तीनों चीजें होती हैं, CPR करना है पेशेंट का और तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, फिर वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पेशेंट इन हार्ट फेलियर वैक्सीनेटेड विद बोथ डोजेस, इफ अदर फैमिली पीपल आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड आर कोविड पॉजिटिव, व्हाट शुड बी द हार्ट फेलियर पेशेंट डू आइसोलेट? जब देखिए ऐसा है, जो क्वेश्चन जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि जो पेशेंट है वो हार्ट फेलियर भी है और उसे दोनों डोज वैक्सीन की लगी हुई हैं और उसको कोविड नहीं है, लेकिन और फैमिली मेंबर को कोविड हो गया है, तो उसको क्या करना है? देखिए वही प्रिकॉशन लेनी है कि उसको खुद को जो है उन लोगों से अलग रखना है, और ये ना सोचे कि वो वैक्सीनेटेड है तो वो उनके पास जा सकता है और उनके केयर कर सकता है, उसको फिर भी उनसे अलग ही रहना पड़ेगा। सारी प्रिकॉशन जो मैंने आपको बताई थी वो सब लेनी पड़ेंगी, और घर के अंदर जो है
जो पेशेंट्स जिनको जो कि और जिनको कि कोविड हो गया है वो मास्क पहने और आप भी मास्क पहने और सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशन से लें, उन लोगों को आइसोलेट कर दें और अपने आप को भी उनसे उनके पास ना जाएं। और ये ना सोचें आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप इनकी केयर कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट एंजाइटी एंड डिप्रेशन ड्यूरिंग पेंडेमिक, हाउ टू कोप अप विद इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इस पर हम लोगों के पास आजकल क्वेरीज आती हैं। तो देखिए क्या है कि एंजाइटी तो बट नेचुरल है क्योंकि ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को इतना प्रॉब्लम कर रही है, कई पेशेंट्स की डेथ भी हो जा गई है, तो वो बहुत ही सभी लोग एंजाइटी में रहते हैं। अगर फैमिली में किसी को भी कोविड हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो समझिए कि एंजाइटी तो उसको बहुत ज्यादा होती है और डिप्रेशन भी हो जाता है। तो देखिए इससे बचने के कई सारी चीजें हैं, एक तो ये है कि आप खाली न बैठें, अपना मन जरूर लगाए रखें, चाहे आप म्यूजिक सुने, चाहे आप टीवी के चैनल्स पे या कोई भी जो आजकल नेटफ्लिक्स और ये जो भी इसमें मूवीज अवेलेबल हैं, ये अपना टाइम जरूर उसमें एंगेज करके रखें। और दूसरा क्या है कि जो सोशल नेटवर्किंग है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे टेलीफोन से जूम से आप कनेक्ट होते रखें। और आजकल ना जूम पे काफी सारी एक्टिविटीज चलती हैं, लोग आपस में एक्टिविटीज करते हैं, कोई कुकिंग कंपटीशन करता है, कोई तंबोला कंपटीशन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अपने आप को इन सब चीजों में लगाए रखें और जो न्यूज़ जो होती है उसको ज्यादा ना सुने, अदरवाइज आप एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में ही हो जाएंगे। देखिए मैं सभी जिन लोगों ने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी सारे ये क्वेश्चंस पूछे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और लोगों को बहुत ही इससे जानकारी मिली होगी मैं आशा करता हूँ। और वो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से, कोरोना के इन्फेक्शन से बच पाएंगे और अगर कोरोना हो भी जाएगा तो उससे आसानी से ट्रीटमेंट करके बाहर आ पाएंगे और रिकवर होके अपनी जो नॉर्मल दिनचर्या है, जो नॉर्मल ऑफिस एक्टिविटीज हैं उसे कर पाएंगे। और मैं साथ में ऑर्गेनाइजर्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक्टिविटी की। थैंक यू एवरीबॉडी।